पानी में मछलियाँ देख लेना, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ ये। एक फुट की तो आराम से ये सब मछलियाँ, कितनी है देख लेना, पूरा तालाब मछलियों से ही भर गया है। इस किनारे ज़्यादा है ये साइड। मुझे क्या बता रहा हूँ, दिखेगा मेरा नाम, मैं क्या लगा के ना दूंगा मुझे। पूरी फॉरेन की फीलिंग आ रही है। तो अभी हम हैं सुला पार्क में। सुला पार्क इसी पार्क एक्चुअली प्रॉपर, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या है उसमें। और बहुत सी ग्रीनरी है, झाड़ियाँ बहुत है। और अभी करीब 4 के आसपास टाइम हुआ है, फिर भी हमें धूप बहुत कम लग रही है झाड़ियों की वजह से। और जो कुछ यहाँ पे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक दो घर है यहाँ पे जो लोकल गाँव वालों के घर हैं, तो यहाँ पे वो घर कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग होगा। तो ये कुंड का पानी यहाँ से फ्लो होके इसमें आ रहा है, यहाँ का पानी फ्लो होके आगे वाले तीसरे में जा रहा है, ऐसे 3 गैप है ये। तो ये कचरे की खासियत, कितने बंदर है यहाँ पे और सब नाक में दम करते हैं। अगर आपके हाथ में कुछ है तो वो खाना लेके भाग जाएंगे, और आप नहीं देते हो तो आपको काटने का भी वो प्रयास कर लेते हैं। तो हम थे ये दूसरा कुंड, ये पानी बह के आगे जा रहा है। और यहाँ पे है एक फाउंटेन लगा हुआ है, मराठी में कारंजा बोलते हैं इसको अभी। ये अभी वो चालू क्यों नहीं है मुझे पता नहीं, मैं गेस्ट हूँ और मैं हूँ अभी कटरा में वैष्णो देवी। तो सेम सिस्टम आगे भी किया गया है, यहाँ पे भी ये पानी अभी फ्लो हो रहा है, वहाँ पे पैक है इसलिए आगे नहीं जा रहा, यहाँ पे भी नीचे पैक है इसलिए यहाँ पे आगे नहीं जा रहा। तो यहाँ से वो दूसरा पानी आता होगा। और वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए किया गया है। इस एरिया का नाम ही रखा हुआ है सुला पार्क। झूले, सीसो है, स्लाइड्स भी है वहाँ पे, ये ग्रीन कलर की आप देख सकते हो। ये कंपाउंड तक आपको दिख जाएंगे इनकी जगह, जो पूरा पीला कंपाउंड वहाँ तक है। सामने मंदिर, ये माता का मंदिर है, उन्होंने बनाया हुआ है पार्क में। और शायद वो सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है या तो फिर पुलिस वाला होगा यहाँ का, पता नहीं, यूनिफॉर्म तो है उनके पास। ये सब चेंज कर रहे हैं, झाड़ियाँ देख लेना, ये जगह झाड़ियों के लिए मशहूर है। ये जगह दैट मीन्स आप, मैं कटरा की बात कर रहा हूँ। ऊँचे ऊँचे पहाड़ पीछे देख लेना, ये ऊपर फोर्ट है जो हम लोगों ने डाला था फोर्ट का, भीमगढ़ फोर्ट वही है वो। आप यहाँ पे पूरे पहाड़ी देखोगे और झाड़ियाँ बहुत है यहाँ पे, ग्रीनरी बहुत है। वो देख लेना, पहाड़ पे मंदिर बनाया हुआ है। छोटे छोटे तालाब बहुत बने हैं यहाँ पे, ये अलग है जो मैंने अभी तक शूट ही नहीं किया था। मैं अभी और आगे आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे, तो शायद यही पानी है जो फ्लो के आगे जा रहा है। और यहाँ के घर आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ के घरों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। और अभी प्रॉपर ये गाँव से ही आता है, ये सिटी नहीं है ना, गिस्के गए। ये सामने घर देख लेना, ये देख लो गार्डन में जिनका घर है वो बैठे हुए कुर्सियाँ लगा के। सामने भी एक घर है, गाय पाली हुई है उन्होंने, ये ब्राउन कलर की है। और वो झाड़ के वहाँ पे 2 गाय है, एक वाइट है, वाइट के पीछे एक है, अभी दिख गई आपको वो देखना। और ये प्रॉपर उन्होंने बंगला टाइप बनाया, बट वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बना दिया, उन्होंने ऊपर बनाया नहीं है, बट दिख बड़ा प्यारा रहा है। और यहाँ के पहाड़ों की खासियत है, यहाँ के पहाड़ वाइट वाइट होते हैं, ये देख लेना आपको दिख रहा होगा। यहाँ की मिट्टी सफ़ेद कलर की निकलती है। और जो नदी है होती है यहाँ पे,
वो नदी में के पत्थर यहाँ पे गोल होते हैं। यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा होता है, कभी भी आओ आप। गर्मी होती है नहीं ऐसे नहीं, बट आप जम्मू जाओगे तो जम्मू बहुत गर्मी मिलेगी आपको। और ये थोड़ा सा आउटसाइड होता है कटरा वैष्णो देवी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है इसलिए आपको ठंड मिलेगी, और पहाड़ भी पूरे हरे भरे होते हैं तो इसलिए वो भी बड़ा अच्छा लगता है। करंट लग गया।